यूट्यूब चैनल इल्मी असासा पर आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। तमाम असासा के लिए बड़ी खबर के साथ KSST सेकेंडरी स्कूल टीचर्स का स्केल 17 और उनकी होने वाली प्रमोशन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, जानिएगा आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी असासा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो ये चलते हैं खबर की तफसील की जानेब। SSTs का मुतालबात के हक में 28 अगस्त को एहतजाज का ऐलान। ख़वातीन SSTs के साथ DPC के नाम पर खेल खेला जा रहा है। सैकड़ों तरक्की से महरूम रिटायर्ड भी हो चुकी मर्द SS व हेडमास्टर की 2000 सीटें खाली, सिर्फ 500 असाज़ा से फाइलें तलब की गई, सुनवाई नहीं हो रही। बड़ा बयान आ गया। SST असाज़ा ने महकमा डायरेक्टरेट के नामुनासिब रवैये के खिलाफ 28 अगस्त को होने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। SST ने मुश्तरका अखबारी बयान में कहा है कि डायरेक्टरेट 5 सालों में SST खवातीन की DPC बराए SSHM का इजलास ताहाल नहीं हो सका है, जिनके बाद सैकड़ों खवातीन असाज़ा अपने जायज़ और तरक्की से महरूम रहते हुए रिटायर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों खवातीन SST के साथ पिछले 1.5 साल से DPC के नाम पर खेल खेला जा रहा है। सुबह में मर्द SS और हेडमास्टर की 2000 के करीब सीटें खाली हैं, जबकि 500 असाज़ा से फाइलें तलब की गई हैं। SST असाज़ा की तरक्की स्केल 16 से स्केल 17 में बतौर SS सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेडमास्टर के तौर पर होती हैं। बजरिया DPC साल में 2 मरतबा होती हैं, लेकिन ख़वातीन SSTs की तरक्की जो कि 1 साल में 2 मरतबा होनी होती है, गुज़िश्ता 5 सालों में डायरेक्टरेट मुनक़द करवाने में नाकाम रहा है, जो कि उनकी नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। इस DPC के सिलसिले में SST एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने साबिक वज़ीर तालीम, मुशीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम, डायरेक्टर तालीम और मौजूदा सेक्रेटरी तालीम और मौजूदा डायरेक्टर तालीम से दर्जनों बार मुलाकात की, मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। यही वजह है कि SST का अपने मुतालबात के हक में 28 अगस्त को एहतजाज का ऐलान कर दिया है और एहतजाज की काल दिया है। ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी।